चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है डेट फंक्शंस। तो जो डेट फंक्शंस हमने पिछली क्लास में पिछले लैब में हमने देखा था स्ट्रिंग फंक्शंस, ये टोटल 18 फंक्शंस हमने लर्न किए थे और उनके कुछ क्वेरीज मैंने आप लोगों को आज दूंगा। अब बाकी जो बचे हैं आज जो हमें पढ़ने हैं वो है डेट फंक्शंस। तो डेट फंक्शंस में है सिस डेट, करेंट डेट, लास्ट अंडरस्कोर डे, नेक्स्ट अंडरस्कोर डे, मंथ अंडरस्कोर बिटवीन, एड अंडरस्कोर मंथ्स, टू अंडरस्कोर डेट, टू अंडरस्कोर केयर एंड न्यू अंडरस्कोर टाइम। क्लियर है? ये 9 फंक्शन हमें क्या करने पढ़ने हैं। तो पहला फंक्शन देखते हैं। पहला फंक्शन जो है वो है सिस डेट। तो सिस डेट क्या करता है, इट रिटर्न्स द करेंट डेट एंड टाइम फॉर द लोकल डेटाबेस। मतलब जो डेटाबेस है उसका क्या करेगा, वो डेट एंड टाइम क्या करता है, रिटर्न करता है। तो स्टार्ट करते हैं रहना एडमिनिस्ट्रेटर में। कनेक्ट किया हमने स्टूडेंट स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेरी हम लिख रहे हैं सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूएल। क्लियर है? सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूएल। तो जैसे हमने लिखा सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूएल, आपको आउटपुट मिल रहा है 29JUL20। क्लियर है? दैट मीन्स जो आउटपुट आ रहा है आपका, वो आउटपुट किस तरह आ रहा है, वो आ रहा है आपका 29JUL20। सो दिस इज द ओरेकल्स डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट। डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट इज DD-MON-YY। क्लियर है? मतलब जो भी डेट कंपोनेंट आपको दिखेंगे पूरे डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट किस तरह दिखेंगे, 29DD-MON-YY फॉर्मेट में दिखेंगे। क्लियर है? तो पहली क्वेरी हमने लिखी सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूएल। तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है करेंट डेट एंड टाइम ऑफ द डेटाबेस। क्लियर है? मतलब जो डेटाबेस जहां पे जो स्टोर्ड है वहां का टाइम क्या कर रहा है, निकाल के आपको दे रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे जो मैं रन कर रहा हूं तो यहां पर क्या है कि यही मेरा क्लाइंट है, यही मेरा क्या है, सर्वर है। ठीक है? मैं जो जिस लैपटॉप से मैं पढ़ा, हाँ ठीक है, स्पूल ऑन स्पूल डी ड्राइव डेट फंक्शन डॉट डॉक। तो यह मैं लिखा सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूएल। तो अब यहां पर जो कि जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट आ रहा है 29JUL20। क्लियर है? अब ये जो आउटपुट आ रहा है ये आउटपुट कहां से आ रहा है, ये आउटपुट यहां से आ रहा है क्या, जो हमारा सिस्टम मशीन में दिखा रहा है यहाँ पे 29 जुलाई। ठीक है? तो ये आउटपुट अभी जो 29 जुलाई दिखा रहा है, ये 29 जुलाई इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं जो सिस्टम में लॉगिन हूं यही मेरा क्या है, क्लाइंट है, यही मेरा क्या है, सर्वर है। मैंने इसी सिस्टम में क्या किया है, इंस्टॉल किया है ओरेकल, और ओरेकल में इसी मशीन में मैंने क्या किया, डेटाबेस भी रखा है। ठीक है? तो ये जो आउटपुट आ रहा है ये कहां से आएगा, ये आउटपुट एक्चुअली में आएगा सर्वर से। ठीक है? तो अभी आउटपुट सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि यही मेरा क्लाइंट है, यही मेरा क्या है, सर्वर है। लेकिन जब हम लोग कॉलेज आते थे बीआईटी कॉलेज, तो बीआईटी कॉलेज में क्या है कि एक जगह सर्वर मशीन है, एक जगह क्लाइंट मशीन है। ठीक है? तो वहां पर जो किया गया, वहां पर टोटली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मेंटेन किया गया है। ठीक है? तो वहां पर क्या होता है कि जो सर्वर सिस्टम है वहां पर क्या करते हैं कि ओरेकल का सर्वर एंटरप्राइज एडिशन डाला गया है, जहां पे मेन सर्वर है, मतलब जहां पे पूरा डेटाबेस स्टोर्ड है। जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हैं वो डेटा हमारा कहाँ स्टोर है, वो स्टोर है हमारा सर्वर मशीन में। क्लियर है? और जो लैब वन, लैब टू, लैब थ्री में आके आप लोग कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने के बाद आप अपना यूजर नेम पासवर्ड देते थे, तो वहां पे हम लोग देते थे CSE 5A CSE 5B, ऐसे यूजर नेम्स हम क्या करते हैं वहां पर देते थे कि फिफ्थ सेमेस्टर है, CSE है, सेक्शन है कि सेक्शन बी है। ठीक है? उससे कनेक्ट जब होते थे तो वहां पे जो जिस मशीन में आप कनेक्ट होते थे वो होता था सर्वर, सॉरी क्लाइंट मशीन। क्लियर? तो वो क्लाइंट मशीन में क्या करते थे, आप यूजर आईडी पासवर्ड देते थे और साथ में आप देते थे होस्ट रिंग। होस्ट रिंग देते ही साथ क्या होता था कि उस पर्टिकुलर सर्वर से क्या करता है, कनेक्ट करता था। क्लियर है? कनेक्ट करने के बाद अब वो क्या करता था कि अगर आप लिखते हैं सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूएल, तो वो सबको क्या करता था, सेम आउटपुट मिलता था। क्यों सेम आउटपुट मिलता था, क्योंकि रिजल्ट जो आ रहा है, जो आउटपुट जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपने मेंटेन किया है, तो जो आउटपुट आ रहा है वो कहां से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है। तो सर्वर से आ रहा है मतलब सबको सेम आउटपुट मिलेगा।
क्लियर है। यहाँ भी हमें जो आउटपुट मिल रहा है, मैंने मेरे को जो आउटपुट मिल रहा है 29 जुलाई 20, अगर आप अपने सिस्टम का यहाँ पे आप डेट चेंज कर देंगे तो आपको आउटपुट शायद डिफरेंट मिल सकता है, क्योंकि वो आपका डेटाबेस यहाँ पर अलग है, मेरा डेटाबेस यहाँ पर अलग है। क्लियर है, सब अपने अपने डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर। क्लियर है, अगर मैं एक ही डेटाबेस कहीं रिमोट लोकेशन में रखता हूँ और बाकी बोलता हूँ कि सब लोग उस डेटाबेस से कनेक्ट कीजिए और फिर आउटपुट देखिए, तो सबको क्या मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा। क्लियर है, सो फर्स्ट फंक्शन इज सिस डेट। सो सिस डेट प्रोवाइड दी सिस्टम डेट एंड टाइम फॉर अ सर्वर मशीन। क्लियर है, तो अभी आपको डेट मिल रहा है, थोड़ी देर बाद टाइम भी दिखाई देगा, आगे देखेंगे। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड इज करेंट अंडरस्कोर डेट फ्रॉम ड्यूएल। अब यहाँ पे हम ड्यूएल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डेट हम ले रहे हैं ये डेट का किसी टेबल से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मैं टूडेज डेट देख रहा हूँ, टूडेज सिस्टम डेट एंड टूडेज सेशन डेट। तो डिफरेंस क्या है सिस्टम डेट और करेंट डेट में, कि सिस डेट क्या प्रोवाइड करता है, सर्वर मशीन का क्या करता है, जहां पे डेटाबेस स्टोर्ड है वहां पे क्या उसका क्या कर रहा है, टाइम दिखा रहा है। और करेंट अंडरस्कोर डेट क्या दिखा रहा है, करेंट सेशन का टाइम दिखा रहा है। तो मैंने सेशन देखिए अभी आपके सामने लॉग इन किया है कनेक्ट स्टूडेंट से, तो अभी वो अभी सेशन चालू हुआ है, तो आज की डेट क्या कर रहा है वो ले रहा है। अगर सेशन मैं कल स्टार्ट करके रखे रहता तो उसका आउटपुट क्या था, 28 जुलाई 20। ठीक है, मतलब जो सेशन मैंने स्टार्ट किया, सेशन कब मैंने स्टार्ट किया, उस सेशन का टाइम अगर मुझे चाहिए तो मुझे कहां मिलेगा, करेंट अंडरस्कोर डेट से। क्लियर है, और सिस डेट से क्या मिलेगा, सर्वर मशीन का डेट एंड टाइम मिलेगा। क्लियर है, तो ये दो फंक्शंस हमारे हो गए, सिस डेट एंड करेंट अंडरस्कोर डेट। क्लियर है, थर्ड देखते हैं, थर्ड वन इज द लास्ट अंडरस्कोर डेट, और हम उसके अंदर हम कोई ना कोई डे देते हैं। तो लास्ट अंडरस्कोर डे जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, लास्ट डे ऑफ द मंथ बेस्ड ऑन द डेट स्पेसिफाइड। मतलब जो पर्टिकुलर डेट मैं स्पेसिफाई करूंगा उसका क्या करेगा, लास्ट पर्टिकुलर डेट निकाल के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं सेलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर डे, और मैं क्या करता हूं आज की डेट डाल देता हूं, तो आज की डेट मेरी क्या है, 29 जुलाई 20 फ्रॉम ड्यूएल। तो इस पर्टिकुलर मंथ की जो लास्ट डेट है वो क्या है, 31 जुलाई 20। क्लियर है, अगर मैं यहां पे इसको चेंज करूं और चेंज करके मैं लिखता हूं लेट सपोज 02 फरवरी 20, तो ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर ईयर में 2020 में जो फरवरी था उसका लास्ट डेट क्या था, वो था 29 फरवरी। मतलब ये जो था वो लीप ईयर था। क्लियर है, इसलिए इसमें क्या है, 29 डेज है। तो ये क्या कर रहा है, लास्ट डेट क्या कर रहा है, निकाल के दे रहा है कि आपके पर्टिकुलर डेट फॉर कंपोनेंट में लास्ट डे कौन सी डेट पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने डेट डेटा स्पेसिफाई किया है तो मैंने क्या किया है, सिंगल कोट्स लिए हैं। क्लियर है, पहली बात तो मैंने सिंगल कोट्स लिए हैं, बिना सिंगल कोट्स के ये क्वेरी आपकी काम नहीं करेगी। क्लियर है, मतलब आपको सिंगल कोट्स देना ही है। दूसरी चीज मैंने यहां पे लिखा है 2-5-20 फ्रॉम ड्यूएल, तो मैंने क्या किया है, मैंने ओरेकल का फॉर्मेट यूज किया है, जो फॉर्मेट हमने अभी पढ़ा, फॉर्मेट इज DD-MON-YY। तो मुझे तीनों कंपोनेंट यहां पे क्या करना है, उसी फॉर्मेट में देना है। अगर मैं फॉर्मेट चेंज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां पे लिखता हूं ऐसा, तो ये देखिए अभी भी आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसा लिखें लेट सपोज 02-02-20 अगर लिखते हैं, तो देखिए आपको जो है वो गलत बता रहा है। क्लियर है, गलत बता रहा है। तो ये अगर अपना फॉर्मेट अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए हमें एक और फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, हम आगे चल के देखते हैं। क्लियर है, अभी हम इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते, अगर हमें यूज करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा ओरेकल्स फॉर्मेट। क्लियर है, मतलब जहां भी हम डेट कंपोनेंट यूज कर रहे हैं अपनी क्वेरी में, हम कहीं पे सर्चिंग कर रहे हैं या कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करना है, उस कंपेरिजन में हमें क्या करना है, यही फॉर्मेट यूज करना है जो फॉर्मेट ओरेकल का फॉर्मेट है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट अंडर डे के बाद नेक्स्ट अंडरस्कोर डे। तो नेक्स्ट अंडरस्कोर डे विल गिव यू दी नेक्स्ट डे ऑफ द वीक। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, मुझे लिखना है सेलेक्ट सिस डेट। सिस डेट से क्या हुआ, आज का डेट मिल जाएगा,
फिर मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट अंडरस्कोर डे सिस डेट, ठीक है, और उसके बाद मैं लिखता हूं वेडनेसडे। तो आज वेडनेसडे है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं नेक्स्ट वेडनेसडे की डेट निकाल रहा हूं। क्लियर है? एक मिनट, वेडनेसडे होगा, वेब नहीं होगा, वेड होगा यहां पर। तो देखिए आज का जो डेट है वो क्या है, 29 जुलाई 20, और जो नेक्स्ट थर्सडे सॉरी नेक्स्ट वेडनेसडे जो पड़ेगा वो पड़ेगा 05 अगस्त 20, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लैब हमारा जो लगेगा वो कब लगेगा, 5 अगस्त 20 में। क्लियर है? तो ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट वेडनेसडे की क्या कर रहा है, डेट निकाल के दे रहा है। क्लियर है? तो नेक्स्ट वेडनेसडे की डेट निकालनी है तो मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं, या तो मैं लिखूं शॉर्ट फॉर्म में WED, या तो फिर मैं क्या करूं यहां पर मैं यूज करूं डेट सॉरी डे ऑफ द वीक। अब डे ऑफ द वीक के लिए 1 is used for Saturday, 2 is used for Monday, 3 is used for Tuesday, 4 is used for Wednesday, 5 is used for Thursday, 6 is used for Friday, and 7 is used for Saturday, ठीक है। ये 7 days होते हैं वीक के। तो वीक स्टार्ट होता है संडे से, ठीक है। तो संडे एंड देन मंडे देन ट्यूसडे देन वेडनेसडे देन थर्सडे देन फ्राइडे देन सैटरडे। तो पहला दिन जो रहता है वो रहता है संडे, और संडे को दिन हम क्या करते हैं, छुट्टियां मनाते हैं। सेकेंड डे से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा कैलेंडर हम लोग, ठीक है। तो यहां पर जो नंबर हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो होता है डे ऑफ द वीक। तो डे ऑफ द वीक मीन्स फर्स्ट डे मीन्स संडे, सेकेंड डे मीन्स मंडे, थर्ड डे मीन्स ट्यूजडे, अप टू सेवंथ डे इज सैटरडे। अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ सपोज 4, ठीक है, इसको हम आप हटा देते हैं या इसको हम यहाँ स्टोर कर देते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा 4 मीन्स नेक्स्ट वेडनेसडे का क्या कर रहा है, वो डेट निकाल के आपको दे रहा है। तो ये दोनों क्वेरी जो है, बोथ दी क्वेरीज आर सेम। पहले में मैंने क्या किया, एब्रीवेशन यूज किया है कि मुझे नेक्स्ट वेडनेसडे चाहिए, और सेकेंड टाइम मैंने क्या लिखा है, डे ऑफ द वीक लिखा है, ठीक है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है देखिए, रिटर्न द फर्स्ट वीक डे दैट इज ग्रेटर देन द अ डेट, मतलब ऐसा वीक डे निकाल के देगा जो इससे ग्रेटर है। क्लियर है? मतलब मैं अगर यहां पे लिखता हूं 1, तो 1 मींस नेक्स्ट संडे की डेट निकाल के देगा। तो अगला जो संडे आ रहा है अभी इस डेट के बाद वो आ रहा है 2 तारीख को, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि मैं मंडे निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा यहां पर 2, तो ये दिखाएगा नेक्स्ट मंडे कब आ रहा है, तो मंडे आ रहा है 3 तारीख को। फिर हम देखते हैं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7, तो क्या करेगा, नेक्स्ट सैटरडे की क्या करेगा, वो डेट निकाल के देगा। तो नेक्स्ट सैटरडे जो आ रहा है वो आ रहा है 1 तारीख को। क्लियर है? लेकिन अगर मैं लिखता हूं सपोज 8, सो इट इज एन इनवैलिड क्वेरी। व्हाई? बिकॉज अ वीक कैन हैव ओनली 7 डे, ठीक है, 8th डे होता ही नहीं है वीक में। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट अंडरस्कोर डे। तो नेक्स्ट अंडरस्कोर के 2 पैरामीटर है, पहला है डेट कंपोनेंट और दूसरा है कि मैं नेक्स्ट उस डेट का क्या नेक्स्ट डेट निकाल रहा हूं, मतलब नेक्स्ट वीक डे निकाल रहा हूं। क्लियर है? मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं कोई डेट स्पेसिफाई करके हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि मैं 3 जुलाई 20 के बाद नेक्स्ट क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं नेक्स्ट संडे निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो 3 जुलाई के बाद जो नेक्स्ट संडे आएगा वो कब आएगा, वो आएगा 5 जुलाई। तो अगर आप देखें यहां पर कैलेंडर में, तो यहां पे देखिए 3 जुलाई जो था वो फ्राइडे था, और उसके बाद जो नेक्स्ट संडे था वो क्या था, 5। तो यहां पे जो डेट आ रही है वो आ रही है 5 जुलाई 20, ठीक है। मतलब इस डेट से वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, और वो ग्रेटर होने के बाद हम कौन सा निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं पहला दिन, मतलब पहला डे ऑफ द वीक या सेकेंड डे ऑफ द वीक या थर्ड डे ऑफ द वीक अप टू 7th डे ऑफ द वीक में क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट अंडरस्कोर डे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एड अंडरस्कोर मंथ्स, ठीक है। उससे पहले देखते हैं मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन। मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन में क्या होता है कि मैं 2 पर्टिकुलर डेट कंपोनेंट में क्या कर रहा हूं, मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं। अब हम देखें तो हमारे पास जो डेटाबेस में एक टेबल है,
टेबल जो है वो है ईएमपी टेबल। तो ईएमपी टेबल में 8 कॉलम्स हैं, 8 कॉलम्स में एक ऐसा कॉलम है जिसमें डेट कंपोनेंट स्टोर्ड है, वो है हायर डेट, एंड दैट इज द ज्वाइनिंग डेट ऑफ एवरी एम्प्लॉय। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि मैं डिफरेंस निकालूं कि आज की डेट और हायर डेट के बीच में कितना डिफरेंस हो चुका है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन, मैं लिखता हूं पहले सिस डेट क्योंकि ये ग्रेटर डेट है, उसके बाद मैं लिखता हूं हायर डेट, और एस लिखता हूं मैं मंथ्स फ्रॉम ईएमपी। तो कितने मंथ्स का डिफरेंस है इन दोनों डेट के बीच में, मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखिए यहां पे लिखता हूं मैं सिस डेट कॉमा, यहां पे लिखता हूं मैं हायर डेट कॉमा, और फिर मैं इनके बीच में क्या कर रहा हूं, डिफरेंस निकाल रहा हूं। सो दिस इज द सिस डेट मतलब टुडेज डेट, और दिस इज द हायर डेट मतलब जिस डेट में पहला एम्प्लॉय हायर किया गया है। तो इसके और इसके बीच में कितना मंथ हो चुका है, तो मंथ हो चुका है 475 मंथ्स, और कुछ फ्रैक्शंस ऑफ मंथ्स भी दिखा रहा है। तो ये जो फ्रैक्शंस ऑफ मंथ्स दिखा रहा है वो क्या कर रहा है, जब मैं मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन क्वेरी यूज करता हूं तो ये क्या करता है, मंथ्स निकालता है दो डेट के बीच में। ठीक है, तो वो जो डेट के बीच में जो मंथ्स आ रहे हैं वो मंथ्स जो है एक जो है वो मतलब इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है अगर दोनों का डेट सेम निकला। ठीक है, और वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में तब आएगी जब मैं उनके बीच में मंथ्स निकालने के बाद जितने डेज बच जा रहे हैं उन डेट्स को भी क्या कर रहा है, वो मंथ्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो जब मंथ्स में कन्वर्ट कर रहा है तो ये एज्यूम करता है कि 1 month इज इक्वल टू 30 days। क्लियर है? तो ये जो फ्रैक्शन आ रहे हैं मतलब उतने डेज डिवाइड बाई 30 किया गया तब वो मंथ्स में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है उसको। ठीक है, अगर आपको राउंड करना है इसको तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं कि राउंड फंक्शन लगा दिए, तो ये क्या करेगा, ये बताएगा कि अप्रोक्सीमेट कितने मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि मुझे पता करना है कि कितने मंथ एक्चुअली में हो ही चुके हैं, उसके बाद उसको मुझे क्या करना है, डेज को मुझे इग्नोर कर देना है। तो बेटर है कि आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे ट्रंकेट। क्लियर है? क्योंकि अगर आप राउंड ऑफ कर दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 467 हो गया, यहाँ 466 है। क्लियर है? मतलब यहाँ पे जब क्वेरी में देख रहे थे तो 466.6 था, मतलब वो क्या कर रहा है, राउंड ऑफ क्या कर रहा है, 467 मंथ बता दे रहा है, मतलब एक मंथ को क्या कर रहा है, वो ऐड कर दे रहा है यहाँ पर। जबकि ट्रंकेट क्या कर रहा है, उनके डेज को क्या कर रहा है, इग्नोर कर दे रहा है, और उतने मंथ्स को बता रहा है कि कितने मंथ्स एक्चुअली में हो ही चुके हैं, बाकी उसके आगे और डेज हो चुके हैं तो उसको हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया है। क्लियर है? सो दिस इज मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन। तो ये इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो पर्टिकुलर डेट के बीच में क्या कर रहे हैं, हम मंथ्स डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब मुझे डेज का डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कोई बता सकता है? हेलो, एनी आंसर्स? सर वो डेज अंडरस्कोर बिटवीन होगा और क्या? डेज अंडरस्कोर बिटवीन ऐसा कोई फंक्शन हमने पढ़ा ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, तो फिर टू डेट? नहीं नहीं, वो भी नहीं। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं, मुझे बताइए नंबर ऑफ डेज मुझे निकालना है तो मल्टीप्लाई 30 कर देंगे बाय 30। मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा ना, तो वेरी गुड। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे ट्रंकेट हटा देता हूँ अब, ठीक है, ट्रंकेट करता हूँ और मल्टीप्लाई बाय क्या करता हूँ 30 कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ कि एज नंबर ऑफ डेज। तो ये क्या करेगा, इतने नंबर ऑफ डेज हो चुके हैं वो बताएगा। बट दिस क्वेरी हैज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, कुछ मंथ्स हमारे पास ईयर में ऐसे हैं जो 31 डेज के हैं, कुछ कुछ पर्टिकुलर जो मंथ्स हैं वो क्या है, 30 डेज के हैं, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स ऐसे भी हैं जो 28 और 29 डेज के हैं, वो फरवरी मंथ्स हैं। तो ये एग्जैक्ट आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। क्लियर है? एग्जैक्ट आउटपुट आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो एग्जैक्ट आउटपुट अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली लिखना है सेलेक्ट सिस डेट माइनस हायर डेट from EMP. So this is the number of days calculated. ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर जो आउटपुट आ रहा है, यहां देखिए 13,866 कुछ पर्टिकुलर डेज हो चुके हैं, जबकि यहां पर बता रहा है 14,067, मतलब जो 31 components का हम लोग ने एक एक छोड़ दिया, कितना ज्यादा difference आ जा रहा है देखिए।
ठीक है, ये लगभग 99 का डिफरेंस आ गया आपका, ठीक है, 99 से भी ज्यादा है, सॉरी 199 का डिफरेंस आ गया है। क्लियर है? उतना डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें तकरीबन 40 साल का डिफरेंस हो गया है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपनी एज निकालनी है, कितने पर्टिकुलर डे के आप हो चुके हो, तो आप कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे सेलेक्ट, और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी डेट लिखेंगे। तो अपनी डेट, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपनी डेट लिख रहा हूं 06 जून 83, ठीक है, सॉरी, पहले हम लिखेंगे सिस डेट, क्योंकि सिस डेट जो है वो बड़ा कंपोनेंट है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, 06 जून, और मैं लिख रहा हूं 83, ठीक है, और उसको लिख रहा हूं एस एज इन डेज फ्रॉम, अब ईएमपी टेबल की जरूरत नहीं मुझे, मैं लिख सकता हूं ड्यूएल। तो देखिए यहां पे ये बता रहा है इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर इसलिए बता रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलर डेट कंपोनेंट है और मैं इसको डेट की तरह यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेरी को हम आगे चल के फिर से देखेंगे जब हम टू अंडरस्कोर डेट फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अभी हमने देखा मंथ अंडरस्कोर बिटवीन, तो मंथ अंडरस्कोर बिटवीन क्या कर रहा है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन डेट वन एंड डेट टू, मतलब जो दो डेट मैंने दी है उन दोनों डेट के बीच में क्या कर रहा है, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं कैलकुलेट करके आपको क्या कर रहा है, दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एड अंडरस्कोर मंथ्स, तो क्लियर कर देते हैं। अब क्लियर करने के बाद हम देखते हैं सेलेक्ट सिस डेट कॉमा एड अंडरस्कोर मंथ्स, और मैं देता हूं सिस डेट कॉमा टू, तो क्या करेगा, 2 महीने बाद की डेट निकाल के देगा। सो टुडेज डेट इज 29 जुलाई 20, 2 महीने बाद की जो डेट होगी क्या होगी, 29 सितंबर 20। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया है, कॉमा टू लिखा है, मतलब 2 महीने बाद की मैं क्या कर रहा हूँ, डेट निकाल रहा हूँ, 2 महीने ऐड कर रहा हूँ, और वो डेट क्या कर रहा हूँ, मैं फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूं कि मैं 2 महीने पुरानी डेट निकालूं तो मैं क्या करूंगा, -2 करूंगा, तो क्या करेगा, 2 महीने पहले की डेट निकाल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आज की डेट जो है वो है 29 जुलाई 20, और 2 महीने पुरानी जो डेट है वो क्या होगी, 29 मई एंड 20। क्लियर है? दैट मींस एड अंडरस्कोर मंथ से मैं आगे की डेट भी निकाल सकता हूं, मैं पीछे की डेट भी निकाल सकता हूं। ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है कि सब अंडरस्कोर मंथ, ऐसा कोई फंक्शन यहां पर नहीं है हमारे पास। क्लियर है? मैं मंथ्स को ऐड कर सकता हूं, और अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना ही है तो मैं जो नंबर ऑफ मंथ्स का है उसको मैं क्या करूंगा, मैं निगेटिव प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है? सो दिस विल गिव यू दी डेट आफ्टर, सॉरी, प्रीवियस 2 मंथ्स, और दिस इज दी डेट आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि डेट में उतने नंबर ऑफ मंथ्स को क्या कर रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं, और जो डेट आ रही है उस डेट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। क्लियर है? एनी डाउट? तो अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट हायर डेट कॉमा, और मैं लिखता हूं एड अंडरस्कोर मंथ्स, और फिर मैं लिखता हूं हायर डेट कॉमा, और फिर मैं लिखता हूं सपोज 15 या 5 फ्रॉम ईएमपी, तो ये क्या कर रहा है, आपको ये सारे के सारे एम्प्लॉयज की हायर डेट निकाल के दे रहा है, और ये उनके 5 महीने बाद की क्या कर रहा है, डेट निकाल रहा है, मतलब ज्वाइन करने के बाद 5 महीने के एक्सपीरियंस के बाद उसको कौन सी डेट मिली, तो वो है ये, मतलब इस पर्टिकुलर डेट में उनका क्या हो गया, 5 महीने का एक्सपीरियंस हो गया है। क्लियर है? मतलब मैंने 5 महीने उन्होंने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। क्लियर है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं न्यू अंडरस्कोर टाइम देखते हैं पहले। ठीक है, अब न्यू अंडरस्कोर टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा टाइम जोन। ठीक है, अब न्यू अंडरस्कोर टाइम होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, 3 आर्गुमेंट पास करते हैं, पहला होता है डेट कंपोनेंट, फिर 2 कंपोनेंट होते हैं टाइम जोन्स। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है इस फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट न्यू अंडरस्कोर टाइम, और मैं लिखता हूं सिस डेट कॉमा, अब मैं यहां पे क्या करूं, 2 टाइम जोन चॉइस करूं, मैं यहां पे लिखूंगा पहला एएसटी, दूसरा यहां पे लिखता हूं बीएसटी, सो दिस 2 AST एंड BST आर दी टाइम जोन्स। ये क्या करेगा, एएसटी में इस डेट को लेगा और उसको बीएसटी टाइम जोन में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा।
ठीक है। तो ये क्वेरी तब काम आती है जब आपको ये पता करना है कि अभी इंडिया में कितना बज रहा है और लंदन में अभी क्या टाइम हो रहा है। तो यहाँ और वहां के टाइम में अगर आपको डिफरेंस पता करना है कि अभी यहाँ पर अगर 5 बज रहे हैं तो वहां पर कितना बज रहा होगा, ठीक है, तब ये क्या करेगा, ये न्यू अंडरस्कोर टाइम आपको हेल्प करेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ की डेट, यहाँ का टाइम जोन और वहां का टाइम जोन। तो आपको दोनों टाइम जोन आपको क्या करना है, पता करना पड़ेगा। तो ये देखिए टाइम जोन जो है वो होते हैं एटलांटिक स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंड फॉर AST, ADT मीन्स एटलांटिक डे लाइट टाइम, BST मीन्स बेरिंग स्टैंड टाइम, BDT मतलब बेरिंग डे लाइट टाइम, ऐसे करके पूरे आपके और YDT तक हैं। हम जो जिस टाइम जोन में रहते हैं वो कौन सा टाइम जोन है, वो है GMT+5:30, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम हम यूज करते हैं और उसमें भी हम 5:30 का हम क्या करते हैं, उसमें एडिशन करते हैं, क्लियर। तो उसमें एडिशन करते हैं तब हमको क्या करते हैं, यहाँ का टाइम मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है यहाँ के टाइम जोन को वहां टाइम, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ का टाइम जोन यूज करना पड़ेगा और वहां का टाइम जोन आपको यूज करना पड़ेगा। तो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ओरेकल जो टाइम जोन यूज करता है वो यही टाइम जोन यूज करता है, आप यहाँ पर कहीं पे IST नहीं लिख सकते, दैट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई टाइम जोन ओरेकल में डिफाइंड नहीं है, क्लियर है। तो यहां अगर आपको IST यूज करना है तो यू हैव टू यूज GMT+5:30, क्लियर है, क्लियर है सबको, यहां तक किसी को डाउट, एनी डाउट, नो सर, सब जाग नो रहे हैं सर, ना। हाँ सर, नो सर, चलिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं टू अंडरस्कोर डेट। अब टू अंडरस्कोर डेट एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करेगा, आपकी डेट को आपके फॉर्मेट से कन्वर्ट करेगा ओरेकल के फॉर्मेट में। मतलब आप अपना फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, उसको आपको क्या करेगा वो ओरेकल के फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, मैं लिखता हूं सेलेक्ट टू अंडरस्कोर डेट, और आज की जो डेट है वो क्या है, 29 जुलाई, जुलाई मीन्स 07, और फिर मैं लिखता हूं 2020। तो ये जो मैंने अपने हिसाब से जो डेट डाल दी है उसका जो फॉर्मेट मैंने यूज किया, तो मुझे फॉर्मेट समझाना पड़ेगा ओरेकल को। तो मैंने पहले जो यूज किया है वो DD कंपोनेंट यूज किया है, फिर मैंने मंथ कंपोनेंट यूज किया, और फिर मैंने क्या किया है, ईयर कंपोनेंट यूज किया है, क्लियर है। सो दिस विल बी कन्वर्टेड टू ओरेकल्स डेट। ओरेकल्स डेट क्या है, ओरेकल फॉर्मेट क्या है, DD-MON-YY, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, आपके टाइम आपके जो डेट फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में क्या करेगा, उस फॉर्मेट को लेके ओरेकल के फॉर्मेट में क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। अब आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि सपोज आप ऐसा लिखते हैं यहाँ पे डैश, यहाँ पे भी लिखते हैं डैश, तो यहाँ पे भी आपको वो फॉर्मेट क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये देखिए वो क्या करेगा, अभी भी आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 29 जुलाई 20। आप इवन ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर आप लिखते हैं सपोज 02/07/2020, तो ये क्या करेगा, 2nd of July करेगा। अगर आप इसको चेंज करते हैं, आप इसको पहले डिफाइन करते हैं कि पहला मेरा मंथ कंपोनेंट है, दूसरा मेरा डेट कंपोनेंट है, तो ये क्या करेगा 07/20 कर देगा। मतलब इसको आप क्या लेगा, वो इसको डेट कंपोनेंट लेगा, इसको मंथ कंपोनेंट लेगा, और इसको क्या करेगा, ईयर कंपोनेंट लेगा वो, सर इसमें बोल रहे हैं क्लियर। कि कोटेड स्ट्रिंग नॉट प्रॉपरली टर्मिनेट। कोटेड स्ट्रिंग नॉट प्रॉपरली टर्मिनेटेड, तो आपने ये जो कोट है, ये जो मैंने कोट यहाँ पे यूज किया है, ये कोट आपने नहीं दिया होगा, या तो यहाँ पे दिया है तो आपने यहाँ पे टर्मिनेट नहीं किया होगा। देखिए ढंग से, हाँ सर, दिख गया दिख गया। ओके सर, ठीक है, कोटेड नॉट 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 टर्मिनेटेड मतलब वो सिंपल सी बात है कि आपने स्टार्ट कर दिया है, टर्मिनेट आपने नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टू अंडरस्कोर डेट फॉर्मेट, ठीक है। अब आ जाते हैं जो लास्ट फंक्शन है, लास्ट फंक्शन इज टू अंडरस्कोर कैर। तो ये टू अंडरस्कोर कैर जो है ये एक्चुअली डेट फंक्शन भी है और एक कैरेक्टर फंक्शन भी है, और ये कन्वर्जन फंक्शन है। टू अंडरस्कोर डेट, टू अंडरस्कोर कैर, ये बोथ आर दी कन्वर्जन फंक्शन। हम क्या कर रहे थे, पहले एक स्ट्रिंग ले रहे थे, उसको डेट में कन्वर्ट कर रहे थे टू अंडरस्कोर डेट से। तो मैंने जो स्ट्रिंग ली थी वो स्ट्रिंग थी हमारी ये 02/07/2020, और मैंने उसका फॉर्मेट बता दिया था ताकि वो ओरेकल के डेट में कन्वर्ट कर सके। और
और अब मैं क्या रख रहा हूँ, टू अंडरस्कोर कैर कर रहा हूँ, तो टू अंडरस्कोर कैर से मैं क्या कर रहा हूँ, कैरेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको डेट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके जो है दो आर्गुमेंट होते हैं, आर्गुमेंट क्या होते हैं, पहला होता है डेट कंपोनेंट, तो डेट कंपोनेंट में मैंने रख दिया सपोज सिस डेट। अब मुझे क्या करना है, इसमें से क्या निकालना है, तो मुझे निकालना है डेट, तो मैं लिख रहा हूं डी डी फ्रॉम ड्यूएल, तो क्या कर रहा है आज की डेट निकाल के दे रहा है, आज की डेट जो है वो है 29, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आज का मंथ निकालना है, तो मैंने लिखा MM, तो आपको निकाल के दिखा रहा है ये 07। अगर मैं लिखता हूं यहां पर YY, तो क्या कर रहा है आज का ईयर निकाल के दे रहा है 20, ठीक है। अगर आपको तीनों एक साथ निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे DD और उसके बाद अपना फॉर्मेट कोई लगा दीजिए, DD MM YY, मुझे इस फॉर्मेट में क्या कर रहा है कन्वर्ट करके दीजिए, तो देखिए इस फॉर्मेट आपको कन्वर्ट करके दिया है 29 07 20, ठीक है। तो मुझे डेट निकालना है तो मैंने DD लिखा, मंथ निकालना है तो MM लिखा, YY लिखा तो मेरा ईयर निकला, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपको चाहिए डेट मंथ ईयर, उसको लिख रहे हैं HH MI SS, सो HH मीन्स आवर, MI मीन्स मिनट, SS मीन्स सेकेंड, तो क्या करेगा आपको डेट के साथ टाइम भी बताएगा कि अभी कितना टाइम हुआ है, अभी जो टाइम हो रहा हुआ है 3:46:52 हो चुके हैं। इस क्वेरी को अगर फिर से अगर आप रन करेंगे तो देखिए 3:47:02 हो गए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, डेटा से, डेटाबेस से डेटा फेच करके क्या कर रहा है, आपको ला रहा है। तो अगर फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो जो आपका जो टाइम कंपोनेंट है वो टाइम कंपोनेंट कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेकेंड्स उतने पास हो जा रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर मैंने इतना हटा दिया, मैंने लिखा सिर्फ और सिर्फ डी, तो ये क्या दिखा रहा है 4, ठीक है। अब ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कोई बता सकता है, तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा आपको यहाँ पर जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो है, फॉर्मेट जो है दिया हुआ है। सो डी मीन्स डे ऑफ द वीक, सो आज जो है वो फ्राइडे, सॉरी वेनसडे है, वेनसडे है मतलब आज जो फोर्थ डे ऑफ द वीक है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है आपका 4। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डबल डी, तो डबल डी करने से क्या हो रहा है, आज का डेट निकाल के दे रहा है, आज का डेट क्या है 29, ठीक है। मतलब ये मैं आपको मिल रहा है डे ऑफ द, मतलब सिंगल डी से डे ऑफ द वीक, डबल डी से डे ऑफ द मंथ निकाल के दे रहा है कि आप 29th डे है करंट मंथ का, ठीक है। अब आपको ईयर में निकालना है सपोज, तो आप निकाल रहे हैं ट्रिपल डी, सो टुडे इज द 211th डे इन द करंट ईयर, तो 211वां दिन चल रहा है आज करंट ईयर का, क्लियर है। तो ये हो गया आपका डी डबल डी ट्रिपल डी। अगर आप लिखते हैं यहां पर सपोज एम, तो एम करने से क्या दिखा रहा है, ये एम से कोई फॉर्मेट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप डबल एम करते हैं तो ये आप देखिए आपको यह मिल रहा है करंट मंथ, ठीक है। अब अगर आप यहां पे लिखते हैं एमओ एन, तो ये दिखा रहा है JUL। आपको अगर कंप्लीटली जुलाई चाहिए तो आप क्या करेंगे, अच्छा अब यहां पे देखिए अगर मैं मंथ लिखता हूं तो क्या कर रहा है, कंप्लीटली जुलाई आपको दिखा रहा है, क्लियर है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं सपोज वाई, मैंने सिंगल वाई यूज किया है, तो सिंगल वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखते हैं यहां पर क्या है, तो सिंगल वाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो दिखा रहा है लास्ट 3, 2 और 1 डिजिट, मतलब ट्रिपल वाई यूज करूंगा तो लास्ट 3 डिजिट निकालेगा, ठीक है। डबल वाई यूज करूंगा तो लास्ट 2 डिजिट निकालेगा, सिंगल वाई यूज कर रहा हूं तो लास्ट 1 डिजिट निकालेगा, और 4 टाइम्स यूज करूंगा तो 4 डिजिट निकालेगा। तो अभी देखिए 20 चल रहा है, तो 20 में जो आखिरी डिजिट है वो क्या है 0। अगर मैं यहाँ पे डबल लिखता हूं तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा 20। अगर मैं लिखता हूं ट्रिपल वाई, तो ट्रिपल वाई में क्या दिखाएगा, ये 0 to 0। अगर मैं 4y यूज कर रहा हूं तो ये क्या दिखाएगा 2020, ठीक है। और अगर मैं यहां पे लिखता हूं ईयर, तो ये दिखा रहा है देखिए 2020, क्लियर है। तो ये क्या कर रहा है, ईयर मतलब ईयर मींस स्पेल्ड आउट कर दे रहा है उसको, क्लियर है।
अब इसको स्पेल्ड आउट कर रहा है। उसके बाद देखिए ऐसी कुछ फॉर्मेट्स हैं आपके पास, आई वाई वाई, आई वाई आई, आई वाई वाई वाई, तो ये कुछ आईएसओ ईयर्स के और आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्यू। क्यू क्या बताता है? क्यू बताता है क्वार्टर ऑफ द ईयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट सिस डेट, सॉरी सेलेक्ट टू अंडरस्कोर केयर सिस डेट कॉमा क्यू फ्रॉम ड्यूएल, तो दिखा रहा है आपको कि अभी हम जो है वो थर्ड क्वार्टर में जी रहे हैं, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर ईयर का कौन सा क्वार्टर चल रहा है? थर्ड क्वार्टर चल रहा है। तो एक पर्टिकुलर ईयर में फोर क्वार्टर्स होते हैं। पहला क्वार्टर जो होता है जनवरी फरवरी मार्च का, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। फिर अप्रैल मई जून, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वार्टर। फिर आता है जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, उसको बोलते हैं थर्ड क्वार्टर। और फिर आता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वार्टर। तो अभी जो क्वार्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? अभी जो चल रहा है वो चल रहा है थर्ड क्वार्टर। तो अब आपको पता करना है कि ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जो थर्ड क्वार्टर में ज्वाइन किए हैं। तो आपको चाहिए सेलेक्ट ई नेम कॉमा, मैं हायर डेट भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए क्वेरी, फ्रॉम ई एम पी वेयर टू अंडरस्कोर केयर ऑफ हायर डेट कॉमा क्यू दैट इज इक्वल टू थ्री। तो ये आपको बता रहे हैं ऐसे एम्प्लॉयज जो थर्ड क्वार्टर में ज्वाइन किए हैं। अगर आपको निकालना है सेकेंड क्वार्टर में कौन कौन से एम्प्लॉय ज्वाइन किए हैं, तो आप यहाँ पे कर देंगे टू। तो क्या करेगा, सेकेंड क्वार्टर में कौन कौन से एम्प्लॉय ज्वाइन किए हैं, तो ये तीन एम्प्लॉय यहाँ पे क्या हो गए हैं, सेकेंड क्वार्टर में ज्वाइन किए हैं। अब आपको निकालना है फर्स्ट क्वार्टर में, तो ये आप निकाल रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर में। फिर आपको निकालना है अगर फोर्थ क्वार्टर में, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर कर रहे हैं, तो ये आपको निकाल रहा है फोर्थ क्वार्टर में। क्लियर? तो इट मीन्स फर्स्ट क्वार्टर में फोर एम्प्लॉयज, सेकेंड क्वार्टर में थ्री एम्प्लॉयज, थर्ड क्वार्टर में टू एम्प्लॉयज, फोर्थ क्वार्टर में फोर एम्प्लॉयज, सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव एम्प्लॉयज। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, मुझे एक क्वेरी बनानी है, ठीक है। क्वेरी क्या बनानी है कि मुझे क्वार्टर दिखाना है, आउटपुट जो आना चाहिए आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए मेरे को यहाँ पर, देखिए कुछ ऐसा आउटपुट मैं जनरेट करना चाह रहा हूँ। मतलब यहाँ पे लिखूं मैं क्वार्टर और यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे लिखूं वन टू थ्री फोर, चार क्वार्टर हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन फर्स्ट क्वार्टर इज फोर, यहाँ पे आना चाहिए आउटपुट फोर। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेकेंड क्वार्टर इज थ्री, सो आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पर, थ्री। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन थर्ड क्वार्टर इज टू, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, टू, और आउटपुट इसमें क्या आना चाहिए, फाइव। तो यहाँ पे यह देखिए फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन प्लस टू नाइन, नाइन प्लस फाइव फोर्टीन, फोर्टीन एम्प्लॉयज है हमारे पास। तो कुछ ऐसा मुझे क्या करना है, आउटपुट जनरेट करना है। कैसे निकालेंगे कोई बता सकता है, कोई बता सकता है क्या लिखूं मैं सर? ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कैसे करेंगे? हम लिखेंगे सेलेक्ट टू अंडरस्कोर केयर, ठीक है। या हम क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली काम करते हैं, टू अंडरस्कोर केयर ही लिखते हैं। सेलेक्ट टू अंडरस्कोर केयर कॉमा हायर डेट कॉमा डैश सॉरी क्यू, तो क्यू से क्या करेगा ये क्वार्टर निकालेगा, क्लियर है। कॉमा अब मैं लिखता हूँ काउंट ऑफ, और काउंट ऑफ करके यहाँ क्या कर रहा हूं मैं, एम्प्लॉई नंबर्स निकाल रहा हूं, एस नंबर ऑफ एम्प्लॉई, यहाँ पे भी एस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें क्वार्टर डिस्प्ले करना है, एस क्वार्टर, ठीक है। ये क्वार्टर हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ एम्प्लॉई फ्रॉम ई एम, नंबर ऑफ एम्प्लॉई में स्पेस नहीं आएगा इसका। हाँ वेरी गुड, नंबर ऑफ एम्प्लॉई में स्पेस नहीं आएगा। ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई करके मुझे क्या लिखना है, फिर से लिखना है टू अंडरस्कोर केयर, और टू अंडरस्कोर केयर में मुझे फिर से लिखना है हायर डेट कॉमा क्यू। तो देखिए आउटपुट आ रहा है आपको, क्वार्टर का क्यू आ रहा है वन टू। अच्छा अब इसको मुझे वन टू थ्री फोर में अरेंज भी करना है, क्या लिखना पड़ेगा कौन बताएगा? ये मैंने काउंट ले आया नीचे, यहां से हम ग्रुप बाई करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर बाई, और मुझे क्या चाहिए, पहला क्वार्टर पहले चाहिए, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो मैं ऑर्डर बाई क्या करूंगा, वन करूंगा, क्लियर। ऑर्डर बाई वन मतलब दिस इज वन दिस इज टू, तो ऑर्डर बाई मैंने वन किया है।
ऑर्डर ऑफ बाई वन करने से क्या हो रहा है, पहले क्वार्टर का दिखा रहा है फोर, सेकेंड क्वार्टर का थ्री, थर्ड क्वार्टर का टू, फोर्थ क्वार्टर का फाइव, तो फोर थ्री टू फाइव, यही आउटपुट हमने यहां भी जनरेट किया था। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वार्टर। अब इसमें मैं ऑर्डर बाय अगर टू करता हूं तो क्या करेगा, नंबर ऑफ इंप्लॉय से सॉर्ट करेगा। क्लियर है? तो देखिए दो इंप्लॉय, फिर तीन इंप्लॉय, फिर फोर इंप्लॉय, फिर फोर इंप्लॉय, तो उस क्वार्टर का यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहा है। क्लियर है? तो ये हम इनको जो है ग्रुप बाय फंक्शन से भी यूज कर सकते हैं, किनको, क्वार्टर से, और उन क्वार्टर्स के हम क्या करते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने एमएम देखा, एमओएन देखा, एमओएन टीएच देखा, फिर ये कुछ और फंक्शंस हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक एचएच बताया था, एचएच जो है होता है 1 to 12, उसको मैं एचएच 12 से भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो आवर में दो फॉर्मेट होते हैं, एक फॉर्मेट होता है कि 8:20 और एक बोलते हैं उसको 20:20, ठीक है। तो 8:20 जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं एएम या पीएम, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि हम बताते हैं कि वो मतलब एएम वाला है, मतलब सुबह मॉर्निंग का है, कि पीएम है कि पोस्ट मेडिडियन है कि प्री मेडिडियन है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, एएम पीएम से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यहां पर अगर आपको 24 आवर्स फॉर्मेट में चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एचएस 24, और अगर 12 हॉर्मेट फॉर्मेट चाहिए तो आप एचएस 12 भी लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली एचएच भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे हो गए आपके फॉर्मेट्स। तो अब ये फॉर्मेट्स आपको क्या करने हैं, इसमें अप्लाई करने हैं। अब इसमें किसी को किसी में डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये कुछ क्वेरीज हैं जो आप लोगों को करने हैं। इसमें से कुछ क्वेरीज तो आप लोगों ने कर रखी हैं स्ट्रिंग फंक्शंस में। हाँ, इसमें कुछ चीजें और बताने की हैं, वो भी देखते हैं अभी। यहां पर देखिए, अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट 2_char और फिर मैं लिखता हूं sysdate कॉमा डेडी फ्रॉम ईएमपी, तो यहां सॉरी ईएमपी की जगह में आप यहां पे ड्यूएल लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए यहां पर आ रहा है 29। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि यहां पे 29 की जगह 29th में डिस्प्ले करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा TH। तो TH लगाने से क्या होगा, वो 29th हो जाएगा, ठीक है। अब 29th हो जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह TH लगाएगा। अगर मैं यहां पर सपोज सिस डेट की जगह मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं कोई डेट दे रहा हूं, सपोज 2_date और मैं यहां पे लिखता हूं 03/02/2020, और फिर इसका फॉर्मेट हम दे रहे हैं DD MM YYYY, क्लियर है। और इसका मैं क्या कर रहा हूं, उसका मैं निकाल रहा हूं DDTH, तो आउटपुट आना चाहिए थर्ड, न कि थर्ड, मतलब 03TH नहीं आएगा, अब क्या आएगा, थर्ड आएगा। 03 के साथ जो आता है वो आता है थर्ड, तो थर्ड ही डिस्प्ले करेगा, ठीक है। 03TH डिस्प्ले नहीं करेगा, क्लियर है। प्लस अब अगर मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेरी में अगर मैं डीडी लिख रहा हूं, तो यहां पे आउटपुट आ रहा था 3, इस 3 को मैं स्पेल्ड आउट कराना चाहता हूं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा SP। सो SP स्टैंड्स फॉर स्पेल्ड आउट, क्लियर है। तो ये 3 को क्या कर रहा है, स्पेल्ड आउट कर दे रहा है 3, ठीक है। और अगर मैं दोनों को एक साथ यूज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं DDTH THSP लिखता हूं, तब भी वो थर्ड आएगा, और अगर मैं SPTH लिख रहा हूं तो भी वो थर्ड आएगा। तो ये जो दो ऑप्शन पैरामीटर्स हैं वो मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं, मतलब मैं THSP भी यूज कर सकता हूं, मैं SPTH भी यूज कर सकता हूं, मैं सिर्फ SP भी यूज कर सकता हूं, मैं सिर्फ TH भी यूज कर सकता हूं, क्लियर है। सो दीज आर दी ओरेकल फंक्शंस जो हमें यहां पर हमने पढ़े। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट? और भी देखते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा हम लोग का। ये सब तो आपके स्ट्रिंग फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं, ये हैं डेट फंक्शंस के। हाँ, एक क्वेरी हमने यहां पे देखी थी, एज डिस्प्ले और एज इन डेज, ठीक है। तो ये क्वेरी हमने अधूरी छोड़ी थी। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो लिखा था, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था सेलेक्ट सिस डेट माइनस,
और फिर मैं लिख रहा था 06 जून 83 फ्रॉम ड्यूएल, तो ये आउटपुट नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि अब जो मैं डेट स्पेसिफाई कर रहा था इसको ओरेकल फॉर्मेट में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा 2_date और 2_date के बाद मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं आपको 06 06 83 कर देता हूं और इसको मैं फॉर्मेट बता देता हूं कि पहला जो है डेट है, दूसरा जो है मंथ है, थर्ड जो है वो ईयर है, तीन कंपोनेंट है, और इसको मैं यहां पे लिख देता हूं एस एज इन डेज, तो ये आपको निकाल के दिखा रहा है, देखिए एज इन डेज ये आपको निकाल रहा है 229533, तो ये जो निकाल रहा है यहाँ पे गड़बड़ ये है कि यहाँ पे जो फॉर्मेट है यहाँ पे मुझे 1983 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये 2083 ले लेगा, क्लियर है? अब देखिए आउटपुट एग्जैक्ट मिल रहा है, तो 13,568 डेज हो चुके हैं, मतलब इतनी मेरी एज हो चुकी है, ठीक है? अब यहाँ पर जो है मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो मैं यहाँ पर राउंड फंक्शन यूज कर सकता हूँ या तो मैं ट्रंकेट फंक्शन यूज कर सकता हूं अगर मुझे ट्रंकेट करना है तो, ठीक है? तो ये राउंड राउंड फिगर में देखा जाए तो 13,569 जो है मेरी एज हो चुकी है, तो ये मैंने आपको जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो दिया है ये मैंने सैंपल आउटपुट लिखा है, आपको क्या करना है अपना आउटपुट लिखना है यहाँ पर, तो ये आउटपुट जो है वो टाइम वेरियंट है, क्योंकि देखिए कुछ दिनों पहले जब मैंने आप लोगों को मेल किया था तो ये 13,561 डेट दिखा रहा था, आज मुझे 13,569 दिखा रहा है, मतलब 8 दिन पहले मैंने आप लोगों को ये क्या किया मेल किया है, क्लियर है? सिमिलरली आपको मंथ निकालना है तो मंथ का आउटपुट भी हो सकता है कि यहाँ 447 आ जाए, ठीक है, मेरे इस पर्टिकुलर डेट को अगर आप लेंगे तो, क्लियर है? तो ये हो गई आपकी डेट फंक्शंस की क्वेरीज। अब आप लोग क्या कीजिए, ये तो सबके पास है ही, आप लोग उसको बनाना स्टार्ट कीजिए, मैं यहीं पे ऑनलाइन हूं, अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो वो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बता दूंगा, क्लियर है? तो फटाफट आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए।